तो सीटिंग अरेंजमेंट का लीनियर अरेंजमेंट यानी कि रैखिक व्यवस्था क्रम का आज क्लास दूसरा है और टाइप वन ही है। लेकिन टाइप वन में जो होगा आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि अगर एक रैखिक व्यवस्था में यानी कि एक रैखिक व्यवस्था क्रम में दो आदमियों को अगर बैठा दिया जाए तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, यानी कि हो सकता है इसमें कुछ व्यक्ति बैठा हो और इसमें बैठा हो, इस तरह की बात अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। मैं वैसे क्वेश्चन आज बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा कल की क्लास के कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, क्योंकि कल से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, कल का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसके जस्ट बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 94 और 95, ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा, 94 और 95 का आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 लड़कियां ए बी के डी ई और पी एक पंक्ति में खड़ी है, बी डी और पी के बीच में है। तो यहां से आपका स्टार्ट हो गया कि बी जो है ना हमारा डी और पी के बीच में है, ये याद रखना, ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में है, के डी के बगल में नहीं है, ई ए और के बीच में है। तो आपको बताना है पी किन के बीच में है और 95 नंबर सवाल में बोला गया के किन के बीच में है, यानी कि आपको इस तरह से एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन अटैच करके दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन हम आज को मैंने आज बताने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन को। लेकिन 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 एक बात और बता देते हैं, इसके जस्ट बाद अभी आपको हम बताएंगे दो रैखिक में जब बैठेगा व्यक्ति तो उसका आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो बने रहना, बहुत ही मजेदार सेशन आज का। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया है तो आप आइडिया लगा के जल्दी से आंसर करो, प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है तो हम अभी जस्ट बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन को, या फिर अगर पेपर पेन लेके बैठे हो तो वहां पर आप नोट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा लॉजिक ये होगा। ध्यान से देखना, अब हम आ रहे हैं बोर्ड पर, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सर 6 लड़कियां हैं ए बी के डी ई और पी, ठीक है, आपको ए दे दिया है, पी दे दिया है, ए पी ए बी के डी, ए बी के डी और फिर दिया है ई और पी, ये ना 6 लड़कियां को बैठाना पड़ेगा हमको एक लीनियर में, ठीक है। कैसे बैठाएंगे समझना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बातें मेरे दिमाग में आएगा पहले वो बातें को लिख लेंगे और उसको बैठा देंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि साफ साफ बोला गया है क्या कि बी जो है ना डी और पी के बीच में है, एक लाइन हमको मिला कि सर हमारा जो बी है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, हमारा जो बी है ना ये बी डी और पी के बीच में है, तो डी और पी के बीच में ऐसे लिख दिया। लेकिन इसके साथ एक बात और हो जाती है कि सर अगर आप ऐसा लिखे तो हो सकता है सर कोई आदमी ऐसा भी तो लिख सकता है कि सर बी लिख रहा हो और डी इधर ना लिख के इधर पी लिखा हो और उधर डी लिखा हो, ऐसा लिखा हो सकता है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। यहां पर दो बातें हो सकती है, ऐसा कोई एक बात लेके चलेंगे, अगर आंसर नहीं देगा तब आप बातों को बदल के काम करेंगे, लेकिन पहला जो स्टार्टिंग में सोच होगा आपका ये होना चाहिए कि हो सकता है दो तरह से ये लिखा जाए। एक लाइन का काम किया, दूसरा लाइन जैसे पढ़ते हैं तो बोला है ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में, ए जो है ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए ना तो डी के बगल में है और ना ही पी के बगल में है, तो हम कट लगा सकते हैं दोनों जगह, अगर दोनों लेके चल रहे हैं तो कोई अगर एक लेके चल रहे हैं तो कट लगा देना, इसे यहां ए नहीं देना, यहां ए नहीं देना, इससे क्या होगा आपको याद रह जाएगा कि बगल में हमको ए नहीं देना है, ना डी के बगल में ना पी के बगल में, ठीक है। फिर हमको आगे की क्वेश्चन में अगर आगे लाइन पढ़ते हैं तो बोला है कि ए ना ही पी के बगल में और ना ही डी के बगल में, उसके बाद है के डी के बगल में नहीं है, देखो क्या बोला है, के जो है ना डी के बगल में नहीं है, के अगर डी के बगल में नहीं है तो हमको यहां पर के नहीं दे सकते हैं, के को डी के बगल में नहीं दे सकते, याद रखना के भी कट कर दिए और के यहां भी कट कर दिए, ठीक है। हम इतना बात समझ गए कि के को डी के बगल में नहीं देना है, ए को भी नहीं देना है, पी के बगल में भी ए नहीं देना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला लाइन बोला गया है के डी के बगल में नहीं, ई जो है ना ए और के बीच में है, देखो एक लाइन हमको यहां मिला, ई जो है ना के और ए के बीच में है,
ई जो है के और ए के बीच में है, ये तो हम समझ गए। अब हम ये सोचेंगे कि सर इसको कहाँ बैठाएं, ठीक है, इसको बैठाएं तो कहाँ बैठाएं। अब देखो ए तो यहाँ दे नहीं सकते हैं भाई, ए यहाँ भी नहीं दे सकते हैं, ना इधर दे सकते हैं ना इधर दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर के भी नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि डी के बगल में के भी नहीं दे सकते हैं, तो के अगर नहीं दे सकते यहाँ ना ए दे सकते तो इधर तो बैठने का तो गुंजाइश ही नहीं है। अगर हम किसी भी तरह इधर बैठाते हैं तो ए ही आ जाता है शुरुआत में, अगर किसी भी तरह बैठाते हैं तो के ही आ जाता है, तो हमको ये वाला बात इधर बैठाना पड़ेगा पी के साइड में, और पी साइड में ऐसा बैठाना होगा कि ए नहीं आना चाहिए इधर, ठीक है। कोई आदमी बोलता है कि सर ऐसा भी तो सकता है ए इधर लेते, इधर लेते, के इधर लेते, तो भी तो ई जो है ना के और ए के बीच में आ रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब कौन सा यहां पर पुट होगा वो देखो, इधर तो होगा ही नहीं, के और ए दोनों, के दोनों तरफ आ जाता है, अगर इसको यहां बैठाओगे तो गलत हो जाएगा बात है, तो इधर बैठाएंगे। लेकिन कैसा बैठाएंगे जान, तो ये ए पीछे भेज देंगे, तो के यहां पर लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे और फिर आपका ए लिखेंगे। अब सारा बात हम फॉलो कर दिए। अगर ये उस पर बैठाते ना तो उस पर भी बैठाते उसी तरह से, पी के इधर बैठाते, के पहले बैठा, यानी कि पी के बगल में ए नहीं देना है, नहीं देना तो ये वाला बैठ जाता वहां पे, के बैठ जाता यहाँ पे, ई बैठ जाता यहाँ पे और ए बैठ जाता यहाँ पे। ये था आपका बात करने का। अब जो सवाल बोला है दोनों से आंसर देगा, ऐसे बना दोनों, ये भी बन गया वो भी बन गया, देख लो ध्यान से, डी बी पी के ई, डी बी पी के ई ए, के जैसा जैसा इधर बोल रहे हैं वैसा इधर बोल रहे हैं। अगर आप इधर से बोलोगे ए ई के पी बी डी, ए ई के पी बी डी, मिला कि नहीं, तो सिंपल से बात है दोनों आंसर देगा, जो रास्ता से आप चलते हैं आंसर आ जाता है। तो नीतीश का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो अब क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि पी किन के बीच में है, ए भैया पी बी और के बीच में, तो बी और के आपका आंसर हो जाएगा, और 94 क्या है, बी और के, ए नंबर आंसर हो जाएगा 94 का, ये तरीका था। अगर 95 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में देखो क्या बोला है कि के किन के बीच में है, के जो है हमारा किन के बीच में है, उधर से भी लेंगे तो वही आएगा ई और पी, के किन के बीच में है, ई और पी, पी और ई, तो आंसर आपका देखो पी और ई क्वांटो में दिया है, तो ई नंबर दिया है, यानी कि 95 का डी नंबर हो जाएगा आपका, ई और ए, ई और, ई और ए नहीं, ई और, देखो के किन के बीच में, क्वेश्चन जो बोला है के किन के बीच में, तो के जो है ना ई और पी के बीच में, ई और पी आपका दिया है, सी नंबर आंसर दिया, सॉरी सी नंबर दिया, ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो घबराना नहीं, बन जाएगा आसान था। तो ये था वन लाइन ईयर वाला, जितना भी बताए सारा क्वेश्चन आपका पिछले सेशन का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना। लेकिन आप अगर इस तरह से पढ़ लेते हो तो हमको ऐसा लगता है कि आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन और हम लाए हैं जो कि अब टू लीनियर, अब हम लोग थोड़ा सा क्लास सेकंड चल रहा है और टू लीनियर वाला बताते हैं कि मान लिया जाए सर कि दो रेखा अगर रहे, दो बेंच पे बैठे और आमने सामने बैठाना इन दोनों को, ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, बना के देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, देखो क्वेश्चन नंबर दो लिखा गया है कि छह व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू दो कतारों में, देखो यह दो कतारें बोल दिया, इसका मतलब यह हो गया कि दो कतार का मतलब समझ रहे हो, दो कतार का मतलब हो गया दो बेंच है, दो लाइनिंग में बैठा है, प्रत्येक कतार में तीन एक दूसरे के आमने सामने निम्नलिखित क्रम में खड़े हैं। अब देखो लिखा है यू आर के दाई ओर दूसरा है, बात को समझना, यू जो है आर के दाई ओर दूसरा है, पहला लाइन आप इसको समझ के रखो, आगे दिखा है दूसरा लाइन, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में लिखा है आपको कि पी कतार में सबसे अंतिम है, पी जो है ना कतार के कतार में सबसे अंतिम है, कतार में सबसे अंतिम है, ठीक है। नंबर तीन में हो जाएगा आपका कि लिखा है टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है ना क्यू का पड़ोसी है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ध्यान से देखते रहो भी। नंबर चार है आर क्यू के सामने है, आर जो है क्यू के सामने है, ठीक है। अब देखो अगर ये बातें आपका लिख दिया है तो बताएं कि कौन सा एक कतार में है, ठीक है, कौन सा एक कतार में है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पी दिया है, क्यू दिया है, यू दिया है, और फिर दिया टी क्यू पी दिया है, फिर दिया आपको पी आर टी दिया है, पी आर टी, बिल्कुल सही। संदीप का आ चुका आंसर, नितेश का आ चुका है,
क्यू यू एस दिया है और आपको दिया है नन ऑफ दीज। ठीक, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना, हम आपको सिखाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए बात को पढ़ेंगे और हम यहाँ पर दो कतार बना लेंगे, क्योंकि दो कतार में अगर है तो एक कतार में तीन आदमी बोला होगा बैठेगा, तीन तीन करके वो बैठेगा ही बैठेगा, ऐसा बैठेगा। जब ऐसा बैठाएंगे उसको तो क्या बोला, यू आर के दाई और दूसरा है। अब कैसे यू ले आर, आर कहाँ ले, तो आर के दाई है, लेकिन फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखो, सिंपल सा बात बोला है कि यू आर के दाई और दूसरा है, तो यू यहां लिखना है, देखो आर पहले लिख लिया, आर के दाहिने तरफ पहला दूसरा यू दे दिए, पी कतार में सबसे अंतिम है, देखो पी कतार सबसे अंतिम हो गया, टी क्यू का पड़ोसी है, देखो टी जो है ना क्यू का पड़ोसी है, और आर क्यू के सामने है, देखो आर क्यू के सामने है, सारा बात हो गया, तो एक पंक्ति में कौन है, तो क्यू टी पी आंसर हो जाएगा, ये आपका क्यू टी पी ये आंसर हो जाएगा। हाँ भले उधर उधर लिखा है टी क्यू पी, कोई मतलब नहीं, टी लिखा क्यू लिखा पी देख के अंक पंक्ति में ना, तो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, इसी तरह से बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, इसका मतलब हमने खोज खोज के लाए हैं, जहां जहां क्वेश्चन था इस तरह का दो लिनियर वाला सब लाए हैं, यानी कि टाइप वन में फर्स्ट लिनियर कल पढ़ा दिए, आज सेकंड लिनियर का क्वेश्चन है, यानी कि दो अगर लाए कतारे रहे और उसमें आदमी बैठा रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात बता रहे हैं आज। तो लिखा है छह व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ दो पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में तीन, प्रत्येक में तीन तीन, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, और उसके बाद बोला डी एफ के बाएं से दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है, और डी के विकर्णवद सामने बैठा है, और बी जो है ना एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन होगा, यह क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो 55 नंबर सवाल देखिए, अनिल कुमार का ई आंसर बिल्कुल सही है, कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों का बहुत का आंसर बी भी आया था, लेकिन बहुत का क्या एक आदमी का आया था, लेकिन सब लोग ई दे रहे हो, सही आंसर है, लेकिन बना के दिखाते हैं, देखो कैसे बनाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनता है इस तरह का सवाल। तो सिंपल सा बात बोला है कि सर इसमें छह व्यक्ति है और जो है ना दो पंक्तियों में बैठे हैं, जब दो पंक्ति की बात करें ना, आप पहले एक डॉट दो तीन, तीन यहां लगा देना और तीन इसके नीचे लगा देना, ध्यान से सीखो, आपकी सीख जाओगे, आपकी बहुत आसानी से बताएंगे, तीन आदमी ऊपर बैठेगा, तीन आदमी नीचे बैठेगा, तो छह बैठ जाएगा। अब देखो ध्यान से कैसे कैसे इसको बैठाएंगे, वहां पर ध्यान देना बातों पे। अब देखो पहला जो लाइन बोला है बैठने के बाद कि यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ई जो है ना तो यहां बैठेगा ना तो यहां बैठेगा, ना यहां ना यहां, ठीक है, तो कहां बैठेगा भैया, यहां बैठेगा, तो हम बोलेंगे सर ई को बीच में आप बैठा दीजिए, हम ई पंक्ति में ई को बैठा देंगे, डरिएगा नहीं, लगेगा कि सर ऊपर नहीं बैठा सकते, आप ऊपर चलिएगा तो आपका एक क्रम ऊपर बन जाएगा, तब नीचे नहीं बनेगा, तो नीचे लेके चलते हैं, अपने ऊपर जो बैठने का बैठ जाएगा, तो आप ई को बीच में बैठा दीजिए, क्योंकि बोला दोनों बीच में, यानी कि किनारे नहीं है तो बीच में ना बैठाओगे जी, बिल्कुल सही संदीप, बहुत अच्छा। चलिए आगे बोला गया है, ध्यान से समझना, आगे बोला गया है कि डी एफ के बाएं से दूसरा है और सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत बैठा है। देखो हमको ये समझ में आ गया कि सर सी जो है ना ई का पड़ोसी है, ये तो हमको समझ में आ गया, हम सी के बगल में ना यानी ई के बगल में यहां सी डाल सकते हैं, अगर यहां डालेंगे तो यहां भी डाल सकते थे, और एक बोला था विकर्णवत, और उस लाइन को पकड़ लो, विकर्णवत क्या बोला है कि ध्यान से देखो डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी जो है ना एप के बाएं, अगर हम यहां एप लेते हैं, समझना, अगर हम यहां एप लेते हैं तो एप के बाएं इधर हो जाता है दूसरा कौन, डी, ठीक है, ये बोला था, और विकर्णवत बोला था सी का ये, लेकिन विकर्णवत यहां नहीं हो रहा है, यहां तो सीधा हो रहा है, तो हम सी यहां बैठा देंगे, तब कट कट थोड़ा करना पड़ता है, इस तरह से काट देना, ठीक है, ये मायने रखता है आपके लिए। हम फिर से लाइन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आना चाहिए लाइन क्या कह रहा है, कि सबसे पहले बोला क्या कि बी जो है ना किनारे में नहीं बैठा है, बीच में बैठा दिए, और उसके बाद अगला लाइन जैसे पढ़े थे तो कहता है यदि ई किसी सिरे पर नहीं है तो ई तो बीच में बैठा दिए, फिर बोला डी एफ के बाएं से दूसरा है,
अभी तक हमको समझ में नहीं कैसे ले सर, डी एफ के बाएं, एफ के बाएं यहां से हो सकता है डी दूसरा यहां पर ही हो सकता है, या फिर एफ के बाएं दूसरा डी यहां हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आगे जैसे बढ़ते हैं तो कहता है कि सी ई का पड़ोसी है, हमको समझ में आ गया कि सी जो है ना सर, सी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, क्योंकि ई का पड़ोसी है, हम दोनों जगह सोचेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में दोनों जगह सोचा जाता है, ठीक है। फिर जो अगला लाइन है, अगर वो लाइन अपने प्रूव्ड करेगा पिछला लाइन को, देखो अगला लाइन क्या बोलता है कि डी के, हाँ, सी जो है ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है, डी के विकर्णवत सामने बैठा है। अब देखो अगर सी यहां लोगे तो डी यहां हो जाएगा, और अगर सी यहां लोगे तो डी यहां हो जाएगा, लेकिन ऊपर में एक लाइन और बोला था, क्या बोला था ध्यान से देखो, डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी जो है ना एफ के बाएं, तो हम समझ गए सर एफ तो यहां लेना ही पड़ेगा क्योंकि बाएं इधर चलेंगे और दूसरा में जाके पहला दूसरा यहां पर डी हो गया, और डी के विकर्णवत सी यहां हो जाएगा, तो यहां सी हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए, आसान होता है लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, घर में अपना माइंड लगाना, बनाना देख देख के क्वेश्चन को, बिना मेरा वीडियो को पॉज करना तब बनाना, मजा आएगा। देखो अगला लाइन कहता है कि बी एफ का पड़ोसी है, ए भैया बी जो है ना एफ यहां है तो एफ के बगल में बी बैठ जाएगा ना जी, बी जो है एफ का पड़ोसी है, यही तो है, बन गया। अब देखो एक आदमी छूट रहा है आपका, उसमें कौन, ए बी सी डी ई एफ में देखो आपने आपने अब तक ए नहीं लिखा है कहीं, तो ए को यहां लिख दो, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, सब हो गया। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में बोला है तो बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है, आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर से बताया या आप लोग समझ गए, फिर से बताएं या समझ गए, हमको उम्मीद है कि समझ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अभी और क्वेश्चन बताएंगे इसी तरह से, आप बना लोगे, टेंशन मत लेना। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इसी तरह से, देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद हम जस्ट 56 दे रहे हैं, और यह भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में बखूबी अच्छे ढंग से पूछ दिया जाता है। ए बी सी डी ई और एफ खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक ओर तीन है, बी और बी है ए और सी के बीच में, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर यानी एक और छोरों पर है, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है, मध्य में है डॉक्टर और सैनिक अधिकारी के सामने है, बताइए कि डॉक्टर कौन है। अब एक बात बताओ, इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको अजीब लगाना थोड़ा सा, यहाँ पे हम क्या बोले थे, धीरे धीरे आपको हाई लेवल का मतलब कि क्वेश्चन देंगे, धैर्य रखो, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में बनाओगे इसकी गारंटी दे रहे हैं, बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो, प्रैक्टिस जरूर जारी रखो, आपका बनेगा सवाल, नहीं बनेगा ऐसा हम होने नहीं देंगे, बशर्ते आपको जितना हम होमवर्क दें, जितना बातें बोलें आप लोग उतना फॉलो करते चलो। देखो इस क्वेश्चन का हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो और कोशिश करो अभ्यास करने का, क्वेश्चन अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको बोला ए बी सी डी ई और एफ खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, मतलब कि एक आगे बैठा एक पीछे बैठा, प्रत्येक और तीन है, बी जो है ना बी ए और सी के बीच में, पहला लाइन पे ध्यान देना, बी जो है ना ए और सी के बीच में, तो हम बोलेंगे ठीक है सर यहां पर अगर हम बी लिख रहे हैं तो बी जो है ना ए और सी के बीच में हो गया, क्या गारंटी है कि सर बी के बीच बगल में इधर ही ए रहा होगा, आप कहोगे सर इधर भी तो हो सकता था, बी अगर आप लिख रहे हैं ना सर तो इधर सी लिख जाए इधर ए हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, हम बोले हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, कोई एक लेके चलते हैं, नहीं अगर प्रूव्ड करेगा तो अगला स्टेप उठाएंगे, आपको ये दिमाग में शुरुआत में आना चाहिए। आगे फिर बोला है कि बी ए और सी के बीच में राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोर पर है, अब देखो ये भैया यहां पर छोर का मतलब तीन तीन बैठा है, तो तीन यहां बैठा होगा, यहां बैठा होगा, यहां होगा, तो राजनीतिज्ञ और व्यापारी जो होगा ना यहां पर हो सकता है राजनीतिज्ञ और यहां पर हो सकता है व्यापारी, या फिर यहां पर भी हो सकता है व्यापारी, यहां पर भी हो सकता है राजनीतिक, ऐसा हो सकता है, आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा इस तरह से, और थोड़ा ऊपर लिखना कट करके फिर आप उसके स्टेप में ला सको, ऐसा होता है लॉजिक यहां पे, तो हम बोलेंगे ठीक है यहां तक तो ठीक है।
अगला बोला है ई एक सैनिक अधिकारी है। अगर ई एक सैनिक अधिकारी है तो एक बात बताओ, अब तो कहीं पर हमको अभी तक ई कहां दे, ई तो यही जगह है जी, ये सब तो व्यापारी राजनीतिक हो जाएगा या फिर ये व्यापारी है राजनीतिक हो जाएगा, तो हम ई को यहां लिख दिए और लिखने के बाद यहां पर ये लिख दिए सैनिक। आसान होता है, ध्यान से देखो आगे जैसे पढ़ते हैं तो बोला गया है कि ये एक सैनिक अधिकारी है के बाद देखो क्या लिखा है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। सी जो है ना, ये सी अगर इधर लियो तो ये आपका प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर फिलहाल हम वो रखे हैं, हो सकता है बदलना पड़ जाए, और इसके बगल का आदमी डॉक्टर है, ये हम डॉक्टर दे दिए, ठीक है आगे बढ़ो। फिर बोला है व्यापारी इंजीनियर के सामने है, व्यापारी जो है ना इंजीनियर के सामने है, एकेट पद खाली है तो यही इंजीनियर होगा, इंजीनियर तो यही होगा, हम बोलेंगे हाँ सर ये होगा, लेकिन व्यापारी देखो राजनीतिक, इसके सामने राजनीतिक हो जाता है तो व्यापारी होना चाहिए, तो हम इस राजनीतिक को कट करेंगे, यहां पर लिखेंगे इसको काट के राजनीतिक, सर बोलेंगे राजनीतिक इधर हो जाएगा सर, ठीक है, और इधर सर आपका व्यापारी हो जाएगा, तो मतलब हाँ अब आप लोग सीख गए, यानी कि तो व्यापारी हो गया। अब जो लास्ट लाइन बोला है कि बताइए कि डॉक्टर कौन है, ए भैया डॉक्टर बी है, आंसर बी आ जाएगा, ठीक, और आप लोग का आंसर बी आ रहा था मुझे पता है, तो बी हो जाएगा बी। फिर से बताए, एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि बी जो है ना ए और सी के बीच में है, तो आप ए और सी ऐसे लिखोगे या तो ऐसे लिखोगे, लिखने के बाद वो आपको क्या बोला था कि राजनीतिक और व्यापारी दोनों क्या है, अंतिम सिरे पर है, किनारे पर है, जो बोला था, तो हम समझ गए यहाँ तो बैठेगा नहीं, बैठेगा तो यहीं बैठेगा, यहाँ बैठा दिए। उसके बाद जैसे आप अगला लाइन पढ़ोगे बोला है ई जो है ना एक सैनिक अधिकारी है, तो हम समझ गए कि सर सैनिक होगा, तो पद सबको मिल चुका था, ई के जगह सैनिक दे दिए। और जैसे आगे पढ़ते हैं तो बोलता है क्या, एक आपका इंजीनियर ऑलरेडी बचेगा और बोलेगा उसके सामने व्यापारी है, तो इंजीनियर के सामने व्यापारी इधर नहीं था, राजनीतिक था, हम गलती से राजनीतिक लिखे थे, तो आप कट करोगे राजनीतिक इधर, व्यापारी इधर लाओगे, राजनीतिक उधर भेज दोगे, और जो क्वेश्चन बोला है वो कर दोगे सॉल्व। आसान है, बना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो नहीं छोड़ना एग्जाम में, और अगर किसी को दिक्कत हो तो फिर दोबारा वीडियो देखना, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देते हैं आपकी स्क्रीन पे, बनाओ इस क्वेश्चन को, कैसे बनाओगे, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 93 नंबर सवाल है, कहता है कि छह व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर दो पंक्तियों में प्रत्येक में तीन तीन बैठे हैं, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पी की स्थिति आर के बाई ओर दूसरी है, पी की स्थिति जो है ना आर के बाई ओर से दूसरी है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है, पी के विकर्णवत है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहला क्या बोला है कि छह व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर दो पंक्ति में प्रत्येक में तीन तीन बैठे हैं, क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, ए भैया अगर तीन यहां बैठेगा तो तीन यहां बैठेगा तो क्यू किसी के अंत में नहीं होगा, तो क्यू यहां दे देंगे बीच में, ठीक है, कोई एक पंक्ति में ले लिए। फिर अगला लाइन पढ़ो, देखो उसमें क्या बोला है, अगला लाइन बोला है कि क्यू किसी पंक्ति में अंत नहीं है, तो बोला है पी की स्थिति आर के बाई ओर से दूसरी है, P की जो स्थिति है ना R के बाई ओर से दूसरी, हो सकता है सर यहाँ R हो जाए, R के बाएं पहला दूसरा है, हो सकता है सर अगर आप यहाँ R लेते तो यहाँ पर P हो जाएगा दाई ओर दूसरी, हो सकता है सर R यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन हमको अभी कन्फर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप जब अगला लाइन पढ़ोगे तो आपको कन्फर्म कर देगा। ध्यान से देखो अगला कौन सा लाइन है इसमें, तो बोला है क्या O की स्थिति Q के पड़ोस में P के विकर्णवत है, ये आपको दिमाग दिया कि O के स्थिति जो है सर O की स्थिति Q की पड़ोस में, के पड़ोस में हम सर यहां ओ ले लेते, पहले ओ ले लिए, ओ लेने के बाद आगे देखो हो सकता है सर ओ उधर भी हो, अभी हम ये दिमाग लगा रहे हैं कि अगर ओ इधर लेते तो मेरा फॉलो होता है कि नहीं, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, देखो क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णवत है, तो हम समझ गए कि सर पी यहां होना चाहिए, ठीक है पी के विकर्णवत, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णवत, विकर्ण का मतलब समझते हो, जैसे ये होता है ना इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है तो आपको इतना बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कहता है अगला लाइन, कहता है आपका कि एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, एन की जो स्थिति है ना वो आर की पड़ोस में, अभी तक हम एन और आर नहीं लिए हैं, आगे बढ़ते हैं,
फिर जो पीछे छोड़ दियो लाइन उसको पढ़ो, क्यों की क्यों देखो क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, बिल्कुल सही। पी की स्थिति आर के बाई ओर से दूसरी है, पी की स्थिति देखो यहां अगर पी लिए है तो आर के बाई ओर नहीं दाई ओर हो जाएगा, इसका मतलब हम पी को यहां लेंगे और ओ को यहां लेंगे तब विकर्ण हो जाएगा, और यहां पर पी की स्थिति आर के बाई ओर दूसरी है तो आर ऐसे लेंगे। कैसे कर रहे चेंज, ये चेंज करने अगर आपको लॉजिक आ गया ना तो कोई रोक नहीं सकता इस तरह के सवाल को बनने के लिए। हम आपको जानबूझकर बता रहे हैं कि पहले उल्टा चलो, उल्टा अगर गलती से चल गए हो तो सही कैसे करोगे। लाइन फॉलो कर गया, देख लो Q और O बगल में हो ही गया पड़ोसी, R के बाई और दूसरा P हो गया, विकर्णवत भी हो गया, सब बात फॉलो हो गया। तो चेंज करने के लिए सीखोगे, प्रैक्टिस करते रहना, आपको दिमाग में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। O की स्थिति Q के पड़ोस में, P के विकर्णवत है। अब देखो N की स्थिति R के पड़ोस में, N की स्थिति ना R के पड़ोस में, तो N यहां बैठेगा, पड़ोस का मतलब बगल में हो जाएगा। एक आदमी छूट रहा है, कौन, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S छूट रहा है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे छूटा ना, एस था कि नहीं था, नहीं था, एम एन ओ पी क्यू आर एस था, ठीक है, तो एम छूट रहा था, एम लिख दो यहाँ पे, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर हो गया। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन का लास्ट लाइन का था, इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन है, एन के सामने क्यू आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, होमवर्क है, इसको बना के रखना आप लोग। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे ध्यान से देखो, ये 89 से 92, ठीक है, एक काम करते हैं अभी तो टोटल बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 से 92 में लिखा गया है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 1 में कि 6 खिलाड़ी है, पुनीत, रीति, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ 2 कतारों में है, प्रत्येक कतार में 3-3 का समूह है और प्रत्येक कतार में तीनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बोले ठीक है सर। नंबर 2 में बोला है सौरभ जो है ना रितीश के विकर्णीय, विकर्णीय का मतलब कोना कोनी, विकर्णीय खड़ा है। आपको ये लाइन समझ में आना चाहिए कि सौरभ जो है ना रितीश के विकर्णीय खड़ा है, तो आपको क्या करना है, और क्या उसको छोड़ दो, उस लाइन को भी छोड़ो, तीसरा लाइन देखो कहता है रितीश शरीफ के सामने है, इसका मतलब रितीश शरीफ दोनों ऊपर नीचे लिख सकते हैं कि सर मान लेते हैं हम शरीफ ऊपर लिख रहे हैं, शरीफ अगर हम ऊपर लिख दिए हैं तो रितीश नीचे लिख देंगे, रितीश नीचे लिख दिया, इस लाइन को हम पहले फॉलो कर रहे हैं कि सर आमने सामने कर दिए सौरभ रितीश के। अब देखो अगला लाइन जो बोला गया था सामने करने के बाद, सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है, सौरभ जो है ना रितीश के, रितीश यहां पर आ गया तो विकर्णीय खड़ा हो सकता है सर, एक आदमी इधर रहो और एक आदमी इधर रहो, या फिर एक आदमी इधर रहो और एक आदमी इधर रहो, इधर विकर्ण भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन दाएं तरफ भी विकर्ण हो सकता है, बाएं तरफ भी विकर्ण हो सकता है। लेकिन आगे जैसे बढ़ते कहता है युवराज रितीश का पड़ोसी है, हमको समझ में आ जाना चाहिए कि युवराज अगर रितीश का पड़ोसी है तो इसको अगर इधर लेके चलते तो यहां युवराज दे दिए, युवराज यहां दे दिया, रितीश का पड़ोसी हो गया, और विकर्णवत कौन है, रितीश जो है शरीफ के विकर्ण सामने, सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है, रितीश यहां है ना तो सौरभ यहां डाल दो, सौरभ के विकर्णीय खड़ा हो गया रितीश। उसके बाद बनाओ जल्दी से, सब लोग बनाओ अपने से। फिर बोला युवराज रितीश का पड़ोसी है, वो गया पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा, यही को लास्ट लाइन जो है ना आपका संतुष्ट दिलाएगा, संतुष्टि दिलाएगा क्वेश्चन को, करना क्या है, पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है, बायां इधर होता है तो इधर हम सौरभ नहीं ले सकते थे, ठीक है, हाँ बाएं छोर पर अगर यहां पर, हाँ यहां ले सकते पुनीत, देख अब यहां अगर पुनीत लिए हो तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है, आपको साफ साफ लैंग्वेज में बोला गया है कि सर अगर इस तरह का क्वेश्चन, पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है तो बाएं छोड़ कर दिए, उसके बाद युवराज रितीश का पड़ोसी है, देखो युवराज जो है ना रितीश का पड़ोसी हो गया, फिर बोला था रितीश शरीफ के सामने है, देखो रितीश जो है शरीफ के सामने है, फिर बोला है सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है, देखो ध्यान से सौरभ रितीश के विकर्णीय खड़ा है, सारा का सारा हो गया, एक आदमी छूटा, कौन छूटा, जहीर, तो यहां पर जहीर लिख दो, ठीक है, ये तरीका होता है इसको बनाने का। आप लोगों का ऐसा निकला सौरभ जहीर शरीफ पुनीत युवराज रितीश, ठीक है, अगर ऐसा निकाल पा रहे हो तो यकीन मानो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही 89 नंबर क्वेश्चन था। हाँ सर, वो
वो जो सौरभ सर, सौरभ नीतीश के विकर्ण सर इधर भी राइट में हो सकता है सर, शरीफ जो सौरभ भी हो सकता है ना सर। इधर दोगे ना तो आपका वो जो बाएं वाला बात बोला था वो प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है आपको उस तरह से प्रूव ना हो, हम ऐसे करते गए तो मेरा निकलते गया। अब देखो बताते हैं आपको और तरीका, देखो इसका ठीक है क्या बोला था, कि अगर हम दूसरे तरह से लेते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि सर सौरभ रितीश के विकर्ण, पहले तीन आदमी यहां ले लिए, एक दो तीन चार पांच छह। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे ध्यान देना क्या करना है, कि बोला है सौरभ जो है ना रितीश के विकर्णीय खड़ा है, तो देखो सौरभ कहीं तो लोगे ना, हम सौरभ यहाँ नहीं लिए, हम यहाँ ले लेते हैं कि सर सौरभ यहाँ लीजिए आप। गलती देखो करते हैं, अगर हम सौरभ रितीश के विकर्णीय तो रितीश यहाँ हो जाएगा, ठीक है, रितीश विकर्णीय हो गया। देखो विकर्ण का मतलब ये हो जाता है, विकर्ण का मतलब ये हो जाता है। आप ऐसे सोच रहे होंगे, हो सकता है ऐसे भी आएगा। हाँ हाँ यहाँ पे सौरभ यहाँ पे यहाँ हाँ हाँ यहाँ पे सामने, नहीं नहीं विकर्ण इधर, अरे विकर्ण नहीं हो सकता है अगर यहाँ, सुनो ना, अगर सौरभ रितीश या तो ऐसे होगा या तो सौरभ और रितीश ऐसे होगा। आपको विकर्ण नहीं पता है ना, तो हम बता देते कि इसमें अगर विकर्ण चलना है तो कोना कोनी विकर्ण होता है, तो कोना कोनी होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे आयत बना दे तो एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ, एक आदमी ऐसे बैठेगा, तो कोना कोनी चलना चाहिए, वो होता है विकर्ण। आप कहोगे यहाँ ले सकते हैं, नहीं ऐसे कैसे विकर्ण हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। विकर्ण का मतलब आप बीच से नहीं, अगर आपका कमरा है तो कोना से कोनी होता है वो कमरा में विकर्ण, ठीक है, आप देखना कोशिश करना। ये नहीं बोल रहा हूं सर, एक बार से बता दीजिए। हम फिर से बता रहे हैं, देखो ना सौरभ, देखो आप यहां समझो सौरभ रितीश के विकर्ण हुआ कि नहीं, हो गया सर, बिल्कुल हो गया, एक काम मेरा फॉलो कर दिया। आगे बोला गया कि सौरभ रितीश के विकर्ण खड़ा हो गया, रितीश शरीफ के सामने है, रितीश जो है मेरा शरीफ के सामने है, बिल्कुल सही है। फिर बोला युवराज रितीश का पड़ोसी है, देखो युवराज जो है ना, युवराज देखो रितीश के बगल में है कि नहीं। फिर बोला है पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है, पुनीत बाएं छोर पर, ये सारा बात फॉलो करना पड़ेगा और आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगा लेकिन धीरे 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 आप समझ जाओगे। रिलेटेड क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। क्वेश्चन है ये वाला है पहला, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, 89 नंबर, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 89 दिया है, कि बोला गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी समूह के एक दूसरे के आमने सामने है, कौन सा खिलाड़ी समूह में एक दूसरे के आमने सामने है, पुनीत जहीर, जहीर युवराज, शरीफ सौरभ। हाँ बिल्कुल जहीर युवराज, बिल्कुल सही, बी नंबर सबका आंसर सही है, बी नंबर हो गया, 89 का बी हो जाएगा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो आपके सामने है, 90 नंबर सवाल को देखो कैसे बनाओगे, ये हो गया 90 नंबर, इसका आंसर करो। 90 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, पुनीत और युवराज अगर देखते हैं तो वो एक ही लाइन में है, तो आंसर 90 का ए होना चाहिए, एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, ठीक है। सौरभ और पुनीत की अगर हम बात करते हैं तो एक दूसरे के सामने है, हाँ ए नंबर होगा। युवराज और जहीर की बात करते हैं तो युवराज जहीर आमने सामने है, शरीफ और रितीश की बात करते हैं तो आमने सामने, तो आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, पुनीत और युवराज, 90 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 91 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 91 भी उसी तरह का है, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, बना दो इसको, देखो क्या होगा इसका आंसर। कहता है कि यदि पुनीत तथा रितीश अपने स्थान आपस में अदल बदल कर ले तो रितीश के ठीक बाई ओर कौन होगा, युवराज, जहीर, शरीफ, इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर होगा। वो पुनीत तथा रितीश आमने आपस में, क्या बोला है, पुनीत तथा रितीश अपने स्थान आपस में अदल बदल ले, पुनीत और रितीश, तो पुनीत यहां हो रहा है, रितीश यहां हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो लास्ट में बोला कि रितीश के ठीक बाई ओर कौन होगा, ए भैया रितीश जब इधर आ जाएगा तो बगल में युवराज ना होगा जी, तो युवराज हो जाएगा, हाँ सबका आंसर युवराज आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन शायद अब खत्म हो गया ना, तो एक और है, 92 नंबर देख लो, 92 नंबर सवाल, लास्ट सवाल है, इसका आंसर कर दो। कहता है क्या नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, पुनीत शरीफ के बाई ओर से दूसरा है, पुनीत जो है ना शरीफ तो ऊपर है, ये होगा नहीं, फिर है पुनीत युवराज के दाई ओर है, पुनीत देखो युवराज के दाएं तरफ है, नहीं बाएं तरफ है, जहीर,
जहीर युवराज के दाई ओर है, जहीर जो है ना युवराज नीचे है, वो होगा नहीं। पुनीत युवराज के बाई ओर है, पुनीत जो है ना युवराज के बाई ओर है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे इस तरह का, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग को मतलब कि सब समझा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ बोलो सर, आरित बुक से बना रहा हूँ सर, बहुत इसमें सर बहुत कम बना पा रहा हूँ। आपका सारा बनेगा, अभी तो आप स्टार्ट किए हो रीजनिंग, इससे पहले कभी जिंदगी में पढ़े थे? नहीं सर, नहीं सर, अभी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग है इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। लेकिन जब एक बार पढ़ लोगे उसके बाद आपको आसान लगेगा। और जितना चैप्टर पढ़ाए ये बताओ आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जो पढ़ा देंगे ना भाई वो बनेगा, ये चैप्टर भी बनेगा, अभी पढ़ाने दो ना। देखो हम आपको जानते हो आपको कितना धैर्य के साथ पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, आपको उतावला नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से समाप्त कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का कल देखो एक वाला बताए, आज दो लाइन वाला बताए, बताए कि नहीं? कल हम लोग वृत्त वाला, शाम में आपका क्लास चलेगा, वृत्त वाला बताएंगे। और वृत्त वाला खोज लेना, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बनेगा जब हम पढ़ा देंगे तो, क्योंकि पढ़ने के